इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं वार्निंग दे देता हूँ कि मेरे इस वीडियो में जो नए हैं वो प्लीज इस वीडियो को मैं स्टार्ट बोलने के बाद 1.44 यानी कि 1 मिनट 44 सेकंड के बाद ही देखिए, क्योंकि मैं ये समय में मेरा आगे का वीडियो का कुछ मेरे बातें इस वीडियो में मैंने बोला है मेरे आगे की वीडियो का, तो मैं आपके समय नष्ट करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो स्टार्ट बोलने के बाद 1.44 मिनट यानी कि 1 मिनट 44 सेकंड के बाद ही इस वीडियो को देख। तो बहुत बढ़िया, कैसे हो आप? एक्चुअली मैं इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे पहले वीडियो में मेरे आगे की वीडियो में, मेरे पास्ट की वीडियो में आपने देखा था कि मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं मेरे सीरीज का स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट किया था, पर मुझे लगता है कि मेरा वो वीडियो घटिया है, क्योंकि उस वीडियो में फैक्ट की क्वालिटी बहुत ही कम था और मैं बहुत ही कम डिटेल्स दे रहा था और वो फैक्ट इंटरेस्टिंग भी नहीं था। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करूँगा और उस सीरीज में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा वो सीरीज। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ पर जा रहा है। और अपना कॉमेंट देना ही देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करके मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला और वो फैक्ट है मिस्टर रोजर्स के बारे में। मिस्टर रोजर्स कौन है क्या आप नहीं जानते? हाँ, मुझे भी नहीं पता, पर मैं विकिपीडिया सर्च करके मुझे मिला कि मिस्टर रोजर्स है बहुत ही मशहूर एक म्यूजिशियन। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिस्टर रोजर्स हमेशा याद रख के अपने कीमती समय में से समय निकाल कर अपने मछली को खाना देता था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे हुआ? वे इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ क्योंकि उसका एक व्यूअर था और वो व्यूअर अंधा था और यंग भी था। तो उसका वो व्यूअर उसके घर में यानी कि मिस्टर रोजर्स के घर में आकर हमेशा पूछता था कि उसका मछली को खाना मिला या फिर नहीं। तो इसी के कारण मिस्टर रोजर्स हमेशा याद रख के उसके मछली को खाना देता ही था। प्रोहिबिटेशन के दौरान मूनसाइनस नाम का एक आदमी था, वो हमेशा काउसूस पहनता था और वो काउसूस की एक फुटप्रिंट जमीन में हो जाता था और इसी के कारण वो हमेशा डिजास्टर और स्मगलर से बच जाता था। वाह, एक काउसूस एक आदमी का जान भी बचा सकता है, ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट। जॉर्ज वाशिंगटन माउंट वर्नन के विजिटर को एक एग जैसा खाने वाला एक ड्रिंक दिया था और वो ड्रिंक खाकर सच में वो विजिटर ठीक हो गया था। और वो ड्रिंक का इंग्रेडिएंट था वे व्हिस्की रम एंड सेरी। वाह, शराब खा के भी लोग ठीक हो जाते हैं। रिफन नाम का काले रंग का एक पक्षी है जिसको अगर पिंजरे में कैद अवस्था में तोते की जैसा अगर बातें सिखाई जाए तो वो पैरट से भी अच्छा बातें कर सकता है। सुंडोकू, सुंडोकू का स्पेलिंग है TSUNDOK। इस सुंडोकू एक आर्ट है और इस आर्ट के मुताबिक आप बुक को खरीद सकते हो और उस बुक को सजा सकते हो, पर उस बुक को पढ़ नहीं सकते। इस आर्ट का नियम है कि आप उस बुक को खरीद सकते हो, सजा सकते हो, पर आप पढ़ नहीं सकते। हमारे अगली फैक्ट है क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ टू एक सच में एक ट्रेंड मैकेनिक है। अगर कोई घटना आपके वास्तविक जीवन में होने से पहले अगर आप फील किए तो इसको कहते हैं डेजा वू। और अगर कोई घटना आपके वास्तविक जीवन में होने से पहले अगर आप सपने में वो घटना दिखे तो इसको कहते हैं डेजा रेवे। इस डेजा वू और डेजा रेवे का स्पेलिंग आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 1974 के समय में द जर्नल ऑफ एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक पेपर पब्लिश किया था और उस पेपर में ए टाइटल था द अनयूजफुल सेल्फ ट्रीटमेंट ऑफ ए केस ऑफ राइटर्स ब्लॉक। और इस टाइटल का जो कंटेंट था उसमें कुल मिलाकर 0 वर्ड यूज किया गया, यानी कि कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया, कोई भी एक सेंटेंस भी नहीं लिखा गया। हाँ,
ये सच है। ग्रीनिश के मुताबिक हर साल यूके में 93,000 लीटर बियर दाढ़ी में ही खो जाता है। आपने तो बहुत सारी बिल्लियां देखा ही होगा, पर आपने ये फैक्ट सुना है कि कुछ बिल्लियां होता है जो ह्यूमन के लिए एलर्जिक होता है। अगर इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहा है ये बंदा और बहुत ही हार्डवर्क कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। इसमें से अगर एक भी लग रहा है तो भी लाइक करना प्लीज, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अगर मैं समय नहीं पाता फिर भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी फॉलो करो। और मेरा फेसबुक पेज में भी जाकर, मेरे डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक पेज का लिंक, मेरे फेसबुक पेज में जाकर प्लीज लाइक करना, क्योंकि वहां पर मैं अपडेट देता हूँ कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगा, मेरा एडिटिंग कब फिनिश हुआ, वो मैं उस फेसबुक पेज में मैं अपडेट कर देता हूँ। तो प्लीज़ उस फेसबुक पेज में भी लाइक करना और मेरे ब्लॉगर अकाउंट में जाना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट करता हूँ, कुछ चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पर भी जाना। और उसका लिंक, मेरे ब्लॉगर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप ब्लॉगर में, मेरे ब्लॉगर में जा सकते हो। और प्लीज़ आपका कीमती राय प्लीज़ अपने कमेंट में दीजिए, और कमेंट में मेरे बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ उसमें भी कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ पर आपको आपको पसंद आए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, जो भी सोशल मीडिया है उसमें शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि मेरे ये वीडियो बहुत सारे दोस्त, मेरा जो दोस्त है बहुत सारे दोस्त देख रहा है, और इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना। और आप प्लीज बोलिए कि मैं इस सीरीज का क्या नाम दूं, प्लीज कमेंट में आप बताइए, और मेरा आगे का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगली फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, अगली तो दमदार होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैं मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो में। बाय बाय।